श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा दिन में हो रही है, घर की साफ़ सफाई करके पूरा, और उसके बाद सारा सजावट का काम कर रहे हैं मैं और मेरी बेटियाँ। और मेरे पतिदेव भी मंडी गए थे तो फूल लेके आए, खूब सारे दिखाते हैं एक बार आपको। उससे पहले आप सभी लोगों को बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, सभी लोगों को, मेरे YouTube फैमिली को, मेरे ऑल मेंबर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी कृपा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी में बना रहे और महारानी का आगमन आज सबके घरों में हो। सबको यश मिले, कीर्ति मिले, वैभव मिले, धन धान्य से परिपूर्ण हो, तो यही मेरी दुआएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा फूल दिखाते हैं। मेरे पति देव मंडी गए और पता क्या कह रहे हैं, आज इतने महंगे फूल हो रखे हैं। जो गुलाब 100 रुपये का था वो आज 400 का हो रखा है। और इतने महंगे फूल, ये देखो कितने सारे फूल लेके आए हैं सजावट के लिए। ये देखो जो चढ़ता आज माँ लक्ष्मी को। मेरी बेटियाँ ना, पहले उन्होंने साफ़ सफाई करी सारा कुछ और जुड़ गई हैं अपनी रंगोली का काम करने के लिए। मैं दिन का 1:30-2 बज गया है, वो कह रहे हैं उसके बाद आराम से तैयार होंगे, रेडी होंगे, पहले अपना काम निपटा लेते हैं। तो गुन्नू टिम्मू दोनों लग गए। ये देखो हैप्पी दिवाली दे रहे हैं आपको, शुरुआत कर दी है रंगोली बनाने की, गुन्नू ने कर रही है। ये देखिए, और देखो ये कलर्स, ये और दोस्तों बना रही है ये रंगोली। बीच में आपको दिखाते रहती हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगी वो भी आपको दिखाऊंगी। मंदिर का डेकोरेशन मैं भी मंदिर सजाती हूँ अपना, सुंदर सा बनाते हैं, उसके बाद मैं भी आपको दिखाऊंगी। जब मेरा मंदिर सज जाएगा पूरा मंदिर का डेकोरेशन आपको दिखाऊंगी और इनकी रंगोली भी दिखाऊंगी। तो इनको करने देते हैं इनका काम। मेरे को तो रसोई भी संभालनी है, मंदिर भी संभालना है, और पतिदेव भी थोड़ा साथ दे रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सुबह नाश्ता बनाया था उन लोगों उन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, मैं मंदिर में लगती हूँ, मंदिर सजाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं जल्दी से। दोस्तों दिन के 4 बज गए हैं और मैं साथ साथ खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ खाने पीने का काम निपटा दूँ, उसके बाद आराम से अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा पाठ करूँगी। तो सब्जी अभी सजा दी मैंने और इधर तैयारियाँ भी हो रही हैं, घर भी थोड़ा बहुत सजा दिया है। और ये है दोस्तों हमारा ड्राॅइंग रूम, ये देखिए मेरी बेटी ने कर रखे हैं सब डेकोरेट। और अभी फूल माला लगा रखा है हमने, लगा रहे हैं पत्तियां वगैरह फूल, पूरे ऊपर की डेकोरेशन। और मंदिर दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बहुत सजा रखा है, पूरा नहीं सजा रखा। तो दोस्तों दिखाया मैंने आपको अपने घर की सजावट और गुन्नू टिम्मू का रूम दिखाती हूँ पहले मैं आपको, फिर मंदिर दिखाऊंगी। तो पता नहीं क्या क्या अड़ंग बड़ंग आलतू फालतू चीज़ें लगा रखी मेरे रूम में, बाकी ठीक है लेकिन ये पता नहीं क्या है। ये देखिए अच्छा सा आरखान है अपना रूम, थोड़ा बहुत मैंने सजा दिया है, थोड़ा बहुत बाद में सजाऊंगी, एक बार आपको दिखाती हूँ मंदिर की रौनक। दो घई को गुले सनशा मेरे घर राम आएंगे, सजा दो घई को गुले सनशा मेरे घर राम आएंगे। दोस्तों ये मैंने अपना मंदिर सजा दिया थोड़ा बहुत, और अभी इसको थोड़ा और डेकोरेट करूँगी। ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर रंगोली दिखाती हूँ। सुबह से मेहनत कर रही है, मैं कह रही हो गया कंप्लीट, कहीं नहीं मम्मा थोड़ा और करके। देखो दोस्तों इसके लिए प्यारे प्यारे से कमेंट करना, बताना कि आपको रंगोली कैसी लगी, बहुत मेहनत करी, 2 घंटे हो गए इसको बनाते इसको, और अभी कह रही है और लगेगा टाइम थोड़ा। ये देखो और लेके आ गई कलर, कब बाहर बनाएगी, कब मंदिर के गेट पे बनाएगी और कब पैर चिपकाएगी। अरे मेरी बेटी की रंगोलियाँ कंप्लीट हुई और उस सुबह से लगी हुई है रंगोली बनाने में, और अब जाके नहाने गई है, पूजा का मुहूर्त भी होने वाला है फटाफट। मैंने कहा तुम जल्दी नहाओ फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और पूरी कंप्लीट कर दी उसने, दिखाती हूँ आपको स्टार्टिंग से अपना घर। ये मेन गेट ये बनाई है और यहाँ से शुरू है, अभी पैर लगाने बाकी है। इस बार ना इसने फूलों की रंगोली बनाई है, ये पूरी जगह है फूलों की रंगोली, और ये देखिए फूलों की रंगोली। और देखो दोस्तों इसने पूरा टेबल भी सजा दिया, ये देखिए ये देखिए दोस्तों ऐसे बनाई है उसने मेरी बहन ने, फाइनली उसने अपनी रंगोली कंप्लीट करी, इतनी सुंदर बनाई है, मुझे तो सुंदर लग रही है, आप लोग भी बताना कैसी लग रही है। और पूरा डेकोरेशन किया है उसने ये गुन्नू ने, और ये टेबल भी बाहर की टेबल भी उसने सजा दी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रेडी हो गए, सुबह से मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, सब कुछ शेयर करा, रंगोलियाँ दिखाई और मंदिर सजाया हुआ दिखाया, घर सजाया दिखाया। अब हम लोग खुश सज गए हैं, बिल्कुल तैयार हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए। तो माँ लक्ष्मी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मेरी बेटियाँ भी तैयार हैं, ये देखिए टिम्मू भी और मैं भी, और भगवान जी के दर्शन।
ये अभी मेरे पतिदेव कर रहे हैं पूजा पाठ। देखो दोस्तों ये लेके आए थे हम कलश माता रानी के सामने रखा हुआ है हमने। अंदन को आंख देख कोड़ी ने खाया, बाजन को पुत्र देख निर्धन को माला इधर, बाजन को पुत्र देख निर्धन को माला। श्री धन लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री गज लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे अधि लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐसे लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे भी लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे धन लक्ष्मी माँ जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ बनने वाली, मेरा भी कल्याण करना। ध्यान दूर गणा सुबह पूजा वाले माम के मिष्ट काम रहा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री अंतरा भगवान। जय लक्ष्मी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय लक्ष्मी माता ऋषि दाता, ओम जय लक्ष्मी माता नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल माँ लक्ष्मी की जय, माँ दुर्गा की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, जगजननी सीता माता की जय, लखनलाल की जय, हर महादेव की जय, बोल शंकर भगवान की जय। फाइनली हमने पूजा पाठ कर ली, आपके साथ शेयर किया मैंने पूजा पाठ वगैरह, और अब थोड़ा सा मिठाई विठाई देके आते हैं घर में, प्रसाद वगैरह देके आते हैं सबके, चलते हैं। मैं और अनीता जा रहे हैं तो प्रसाद देके आते हैं। अरे टिमो तुम लोग, ये लोग का फोटो तो खिंचाते हैं। तुम ना सरिता के घर आए हुए हैं सरिता को प्रसाद देने के लिए, उसका घर इतना सुंदर। सरिता को मिठाई देने के लिए आई। हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। ये देखो और घर दिखाऊंगी अभी इसका, है ना सुंदर सा।
और ये देखो पूजा पाठ करके फ्री हो गई हैं, तो हम प्रसाद देने के लिए और अब हम इनका इंतजार करेंगे कल को। अब खुली ये सुंदर सी, ये नई चीज मिली हमें इस बार देखने को, ये और ये दो चीज नई करी है सरिता ने इस बार, है ना? हाँ। ये और ये अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू। ये घर तो इसका है ही खैर खूबसूरत। अरे लाइट की जगमगाहट, पटाखों की बटपटाहट, ये देखिए हम लोग को मिठाई दे के आ रहे हैं सबके घरों में। ये आपका आवाज आ रही है हमारे गले में, इतने पटाखे फूट रहे हैं जबरदस्त। देखो पॉल्यूशन, ओहो सुबह को पूजा पाठ करने के बाद मिठाई दे के आ गया घर आई और मनाते हैं थोड़ी देर खाली फुलचड़ियों के साथ। ये देखो मेरे पति देव, मेरे बच्चे और मैं। मनाए सुहानी दीपावली, मनाए सुहानी मेरे साथ के हाथों में पानी। खूब पटाखे चल रहे हैं, खूब पॉल्यूशन होगा दिल्ली में, खूब पटाखे। हम तो फुलझड़ियाँ चला रहे हैं दोस्तों। पूजा पाठ करी मैंने पूरा दिन शेयर किया आपके साथ, सुबह से लेकर शाम तक जो जो किया सारा आपको दिखा अपने ब्लॉग के माध्यम से, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना सब चीज के लिए। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, कल मैं आपको मिलती नई उमंग नई तरंग और नई ताज के साथ। प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को करती है। जय श्री।